नमस्कार दोस्तों, मैं आरके सर एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद भी आएगा। आज जब मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है, हम जब भी क्लास में ये सवाल करते थे तो ये टॉपिक उभर के आता था। हम जब बच्चों से सवाल करते थे कि चलो बच्चों बताओ आपका क्या लक्ष्य है, तो 95-98% बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता था कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसी टॉपिक के आज मैं लेके आया हूँ कि आखिर जो लोग हैं वो लक्ष्य बनाते क्यों नहीं हैं। ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक आज जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आज तक हम लोग बात करते हैं कि अपना टारगेट होना चाहिए, अपना एक गोल होना चाहिए, अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं कि लोग कोई टारगेट, कोई गोल, कोई एम, कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य क्यों नहीं बनाते। आखिर कोई तो वजह होगी। इस टॉपिक पर बहुत कम चर्चाएँ हुई हैं, लेकिन मैं आर के सर आपके सामने आज कुछ 4-5 ऐसे टिप्स, आपको अमेजिंग चीज़ें बताऊंगा जिस वजह से हम लोग अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। और अगर वो वजह आपको मालूम हो जाएंगी तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अपनी लाइफ में आज से लक्ष्य बनाना शुरू करेंगे। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि लक्ष्य जो को लेकर जो लोग चलते हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों नहीं लोग लक्ष्य बनाते, क्यों बिना लक्ष्य के एकदम आवारा पशु की तरह, गधों की तरह या एकदम निठल्ले इंसान की तरह, निकम्मे इंसान की तरह काम करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन बहुत प्यारी बातों के बारे में जो आपको ये बताएंगी कि आखिर हम लक्ष्य बनाते क्यों नहीं हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं वो लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है ये लक्ष्य वक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उनके घर में, फैमिली मेंबर में कभी किसी ने कोई टारगेट लेके काम नहीं किया, उनके पड़ोस में कभी किसी ने कोई लक्ष्य लेके काम नहीं किया, उनके वार्ड में, मोहल्ले में कभी किसी ने कोई लक्ष्य की बात तक नहीं की होती है। उनकी 2-3 पुस्तों में सभी लोगों ने आम जिया होता है और आम वो लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए होते हैं। तो जब इतना सारा काम नहीं किया गया होता तो हमारे दिमाग पे उस तरह का असर होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, एक ये कारण है कि वो अपना लक्ष्य बना ही नहीं पाता है, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि लक्ष्य जैसी भी कोई चीज़ है और उसके इतने बेनिफिट हैं। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट कारण है कि हम जो भी हमारे यहाँ 50-60-70% लोग हैं जो लक्ष्य नहीं बनाते, उनका एक ही ये सबसे मेन कारण है कि उनको इस तरह की कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई होती हैं। दूसरा कारण सुनिए, दूसरा कारण ये कि उनको पता ही नहीं होता कि लक्ष्य, अगर मान लो ये पता भी चल जाए कि लक्ष्य बनाने से ये फ़ायदे हैं, लेकिन लक्ष्य कैसे बनाया जाए उनको अब ये मालूम नहीं होता कि कैसे लक्ष्य लें हम। जब उनसे आप बात करेंगे तो उनका ये कहना होगा कि अरे भाई बहुत सारे काम हैं, मैं अपने पूरे परिवार को चला रहा हूँ, इतना सारा पैसा कमा रहा हूँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा हूँ, ये लक्ष्य ही तो है मेरा। ये वो लक्ष्य नहीं होता दोस्तों, ये आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छाएँ होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए आप पूरी लाइफ काम करते रहते हो, ये आपका लक्ष्य नहीं होता। आप जानते ही नहीं हो कि लक्ष्य होता क्या है और उसको कैसे अचीव किया जाता है। एक उन तमाम वजहों में से ये वजह भी है कि आपकी जो जानकारी है वो लक्ष्य को लेके नहीं है, इसलिए आप अपना लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। तीसरा कारण लक्ष्य का, वे असफलता से डरते हैं। मान लीजिए, चलिए लक्ष्य के बारे में जान भी लिया और लक्ष्य बना भी लिया, अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो लक्ष्य के बारे में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो उनको कहीं ना कहीं असफलता का डर होता है। और ये डर एक दिन का नहीं है, ये उनकी पिछली 2-3 पीढ़ियों का, उनके आसपास के माहौल का, उनके दोस्तों का, और उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जब कोई भी काम शुरू किया गया है और वो पूरा नहीं हुआ है, और शुरू किया गया है वो ख़राब हो गया है, शुरू किया गया है उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसलिए उनको असफलता का इतना ज़्यादा डर लगा है कि अब वो अगर कोई लक्ष्य गलती से ले भी लेते हैं तो वो जो असफलता वाला डर है कि ये होगा नहीं, ये पूरा नहीं होगा, इससे इतना बड़ा नुकसान होगा, उसको ऐसा हुआ था, ये तमाम तरह की बातें, ये असफलता का डर उनको लक्ष्य बनने में सबसे बड़ा बाधक होता है।
और चौथा और अंतिम पॉइंट है वो ये, वो लोगों के रिएक्शन से बहुत डरते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई बच्चा हो, हम लोग अपनी एक्टिविटी से कम लोगों की सोच से ज़्यादा वर्क करते हैं। कि मैंने मान लो शुरू कर दिया और मान लीजिए मेरा नुकसान हो भी गया तो मैं झेल लूँगा, लेकिन पड़ोसी जो इस ताक में है, जो देख रहा है कि इतनी तरक्की कर रहा है, इसका काम पूरा नहीं हुआ, वो क्या क्या कहेगा। मैंने एक बहुत अच्छे स्पीकर की बात सुनी थी कि ये सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विडंबना है हर एक इंडिविजुअल के लिए। इस बात का डर कि लोगों की प्रतिक्रियाएं, अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो क्या होगा, इस बात के डर से मैं लक्ष्य के आसपास भी नहीं रहता हूँ। लोग मैं कैसा रिएक्ट करेंगे, लोग कैसा कैसा मुझको बोलेंगे, मुझको इस यहाँ इस घर में रहने देंगे कि नहीं देंगे, ये तमाम तरह की चीज़ें उसको इतना भयाव स्थिति बन जाती है कि वो लक्ष्य की बात करना ही नहीं चाहता। ये चार चीज़ें मैंने ऐसी बताई कि जो लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं उसके तमाम, ये चार चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये चारों चीज़ें किसी तरह से हट जाएं तो उम्मीद करता हूं कि लोग अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाना शुरू कर देंगे। इसी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सोल्यूशन के साथ आऊंगा कि अगर ये चार चीज़ें कैसे हम लोग हटा सकते हैं कि हम अपना एक लक्ष्य बनाएं और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें जो तमाम तरह के लोग अचीव कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके समाधान लेके आऊँ इन चारों समस्याओं को। आज मैं आरके सर इसी बात के साथ अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियों के साथ हैव ए नाइस डे। शब बखैर।